गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बेटे, अपना जो लेसन है इस जल प्रलय में, बहुत लंदी लेसन है बेटे, चल रहा सो चल रहा, यहाँ तक ओके, यहाँ तक हुआ था, अब ये देखना है ओके। 1937 के इंसिडेंट के बारे में याद आ गया, वो बोल दिए। नेक्स्ट 1967 रीडर्स लीजिए बेटे, रीडर्स लेके देखिए। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखी हुई कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी नाव पर। हाँ, 1967 में क्या हुआ बोले तो, ये पुनपुन का पानी जो है राजेंद्र नगर में आया था, इनके इलाके में पहले आया था, तो यानी शायद इनको नहीं मालूम था, यानी ये यहाँ पे नहीं रहते थे शायद, पहले कहीं दूसरी जगह पे रहते थे, क्योंकि बोले बाढ़ को फर्स्ट टाइम फेस कर रहा हूँ बोल के। तो 1967 में ये यहाँ पे नहीं थे, मगर आए थे सहायता करने के लिए आए थे। हाँ, सजे धजे युवक, तो यहाँ पे क्या हुआ, और एक कॉमेडी सीन क्या है, 1967 में जब राजेंद्र नगर में बाढ़ का पानी आया था तो ये लोग आए थे शायद, तो इंसिडेंट क्या है बोले तो, थोड़े लोग जो है युवतियां और थोड़े युवक, एक टीनेज बॉयज का टीम ग्रुप समझो, ग्रुप बोले तो इतने भी ज्यादा नहीं, एक तीन चार, और गर्ल्स तीन चार, क्या करे बोले तो ये लोग एक नाव लेके उस पे कैसा, जैसे कि ये लोग कश्मीर का आनंद लिए जैसा, वो नाव पर पूरे चीजा रख लेके घूम रहे, वो पानी में, बाढ़ के पानी में पूरा नजारा देखते हुए एंजॉय करने के लिए घूम रहे थे। नाव पर स्टाउ जल रहा था, क्या क्या चीजें लेके आए देखो लोग एंजॉय करने के लिए, स्टाउ जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्कुट के डिब्बे खुले हुए थे, एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को मत रही थी, हाँ एक्सप्रेसो बना रही थी शायद। तो यहाँ पे देखो क्या एंजॉय कर रहे बेटे, लोगों को तकलीफ नहीं मालूम, जिसके पास ज्यादा रहता ना, लोगों को तकलीफ नहीं मालूम। तो एक लड़की जो है वहां पे क्या क्या है, एक स्टोव जल रहा था, कॉफी के लिए केतली में दूध उबल रहा था, तो वहां पे बिस्कुट के पैकेट्स भी थे, और एक लड़की जो है बहुत स्टाइलिश से कप्स में चीनी मिला रही थी, कॉफी बनाने के लिए शायद चीनी मिला रही थी, बहुत अजबी अंदाज से मिला रही थी, वहां पर चम्मच डालकर एक अनोखी, हाँ ये हो गया। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, और एक लड़की क्या कर रही थी, एक चेयर पे बैठकर मस्त अजबी ढंग से स्टाइलिश में बैठ के क्या कर रही थी, वो लड़की एक मैगजीन पढ़ रही थी, रंगीन मैगजीन पढ़ रही थी। एक युवक दोनों पाओ को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खे रहा था, और एक लड़का क्या है नाव को ऐसा दोनों पैर ऐसा नाव के एज पे रख के क्या है ऐसा वो एक रहता बेटे लकड़ी रहता उससे पानी को हटाया था, नाव आगे जाते रहता, तो वैसा कर रहा था वहां पर। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटनों पर कोहनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। देखो नजारा देखो, जो बैठी ना लड़की जो न्यूज मैगजीन पढ़ रही थी ना, तो उसके सामने एक लड़का एक अजबी अंदाज में पोज देकर घुटनों पे बैठ के कुछ प्रपोज कर रहा था उस लड़की को, हाँ डायलॉग बोल रहा था प्रपोज करने के लिए, पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांसिस्टर पर गाना आ रहा था, ट्रांसिस्टर उधर चल रहा था, गाने चल रहे थे उसमें, तो क्या गाना चल रहा था जब बोले तो, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, बल्कि एक पुराना गाना है बेटे फिल्मी गाना, तो वो गाना चल रहा था ट्रांसिस्टर पर, हो जी बोल के चल रहा था। हमारे ब्लॉक के पास गोलांबर में नाव पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लोगों ने एक साथ खिलखिलारियां सीटियां फपतियां की वर्षा कर दी, और इस गोलांबर में किसी भी आवाज की प्रतिध्वनि मंडरा कर गूंजती है, सो सब मिलकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ उसे बड़े से बड़े गुणी संगीत निर्देशक बहुत कोशिश के बावजूद नहीं कर पाते। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो नाव चलते 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 क्या हुआ, ये गोलांबर जो है ना बेटे, जहाँ पे इको साउंड आता ना,
तो वहां तक पहुंची थी। लोग क्या है अपने अपने अपार्टमेंट्स के ऊपर चढ़ के देख रहे थे ना, यानी सेफ साइड वहां पे थे, तो वहां से पूरा नजारा देख रहे हैं वो लोग भी। अरे क्या तो भी है ये बेशर्मों को देखो बोल के पूरे जने वो नजारा देख रहे हैं। तो वो नाव जैसे जैसे वो गोलंबर के पास आए ना, तो वो ट्रांसिस्टर पे गाना चल रहा था, हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का, हो जी हो जी हो जी बोल के रहता गाना। तो लास्ट वर्ड क्या है, इको साउंड आता हो जी बोल के। उन फुहड़ युवकों की सारी एग्जीबिशनिज्म तुरंत छू मंतर हो गई और युवतियों के रंगे लाल लाल ओंट और गाल काले पड़ गए। नाव पर अकेला ट्रांसिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था। हाँ नैया तोरी मुंजधार होशियार होशियार। तो देखो बेटे यहाँ पे ये जो री साउंड आने लगा ना, इको साउंड आने लगा था ना, वो गाने का वो हो गया। वो होने के बाद अब पूरे जने जोर जोर से, अब ऑब्वियसली ऐसा नजारा देख के लोग मजाक तो उड़ाएंगे, तो थोड़े लोग रह नहीं गए, बिल्कुल बहुत बुरी बुरी तरीके से मजाक उड़ाने लगे वो लोग की। तो लड़के तो उस नाव से कूद कर पानी से हटकर चले गए हल्लू हल्लू हल्लू। अब लड़कियां भी क्या करे, शर्म के मारे उसमें से उतरे, उतर के वहां से चले गए। खाली ट्रांसिस्टर और वो चाय की केतली और वो स्टोव बज गया नाव पर, बाकी के पूरे लोग जो लोग मजाक उड़ाए थे ना उसके लिए शर्मिंदगी होकर चले गए वहां से। तो और एक गाना चल रहा था, अब लोग कोई भी नहीं है उस नाव पर, खाली ट्रांसिस्टर और वो केतली और स्टोव है। तो गाना क्या था बोले तो, नैया तोरी मंझधर होशियार बोल के एक लास्ट वर्ड है वो गूंजता वो गोलंबर के पास, होशियार 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 बोल के। तो आज यहीं पर रोकते रहते हैं, धन्यवाद।